हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडियो एक्सपीरियंस। इस वीडियो में रूट का घटाना करना सीखेंगे। सो बढ़ते हैं सीधे वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन है रूट में 3 माइनस रूट में 3। जब रूट में संख्या सेम रहता है तो वह घट जाएगा, तो आंसर उसका 0 आ जाएगा, यानी कि आंसर इक्वल टू 0। अब दूसरा क्वेश्चन है 3√5 माइनस रूट 5। जब रूट के सामने एक भी संख्या नहीं रहता है तो वहाँ पर एक संख्या ऑलरेडी रहता है। जब एक में 3 घट जाएगा तो 2 आ जाएगा, और रूट में 5 है तो रूट को 5 के लिख देंगे। यानी कि रूट के आगे कोई भी संख्या नहीं रहता है तो वहाँ पर एक संख्या पहले से ही रहता है, और रूट में 5 है, रूट में 5 ये घट जाएगा तो एक बार इसे लिख देंगे। जब इसे एक बार लिखें तो 2√5 यही इसका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है 4√3 माइनस 2√3। इसके आगे 4 है और इसके आगे 2 है। जब 4 में 2 घट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 लिख लेते हैं, और 3 में 3 रूट है तो 1 रूट को लिख देना है, तो √3, यानी कि 2√3 इसका यही आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है 2√5 माइनस 4√7। इस सवाल में रूट का संख्या सेम नहीं है और इन तीनों में रूट का संख्या सेम है। जब रूट का संख्या सेम नहीं रहता है तो वह संख्या घटता नहीं है, यानी कि 2√5 माइनस 4√7 इसका यही आंसर हो जाएगा। जब ये घटेगा नहीं तो इसका आंसर यही हो जाएगा। सो इस वीडियो के माध्यम से हम रूट का घटाना के बारे में जाने हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।